हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करने के लिए मिल जाएंगे। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर उनको डीपली स्टडी करना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कल 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, राइट? तो जरूर कल 10:30 बजे इस चैनल को विजिट कर लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों यहाँ पे बात होने वाली है वापस आईपीओ के बारे में। यस दोस्तों, आईपीओ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लगभग जुलाई मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो मंथ स्टार्ट हुआ है दोस्तों, जुलाई मंथ 31 दिन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर लगभग हम कह सकते 11 IPO आने वाले हैं, 11 IPO। एंड अगर हम लोग रफली बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 23,000 करोड़ रुपया, इतना पैसा बाजार से उठाने की कोशिश होने वाली है। मतलब आईपीओ के जरिए कंपनी इतना पैसा यहाँ पे जुटा सकती है। डिपेंड करता है कि फ्रेश इशू कितना है, देन ओएफएस कितना है, बट 23,000 करोड़, इतने बड़े बड़े आईपीओज यहाँ पे कलेक्टिवली आने वाले 11 IPOs। तो कौन से आईपीओ वो भी हम लोग को यहाँ पे देखना है। और सिर्फ ये मैं जुलाई मंथ की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले। एक अच्छा सिग्नल होता है, जब भी आईपीओ आता है तो समझ लेना कि मार्केट गिरेगा नहीं, एक इंडिकेशन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जब भी आईपीओ लाया जाता है वो तभी लाया जाता है जब बाजार में तेज़ी हो। जब बाजार गिरता है ना, कोई आईपीओ नहीं लाता, क्योंकि जब तेज़ी में लाया जाता है ना तो एडवांटेज मिलता है। उसका बेस्ट सबसे अगर एग्जांपल अगर आपको देखना है तो एंटोनी वेस्ट, आपको पता है एक आईपीओ आया था, वो आईपीओ जब फर्स्ट टाइम लाया था ना पूरी तरीके से भरा भी नहीं था, राइट? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब से रिलेटेड बातें, भरा ही नहीं था वो पूरा, 100% चाहिए था ना, वो भरा ही नहीं था। एंड जब मार्केट तेज़ी में था तब वो वापस लेके आ गया आईपीओ को। आईपीओ भरने की बात छोड़िए, लिस्टिंग गेन भी दिखा दिया। तो मतलब आप समझ सकते हो, जब तेज़ी रहती है बाजार में तब आईपीओ लाए जाते हैं, या फिर आप उल्टा भी कह सकते हो कि शायद से बाजार में तेज़ी अभी भी टिके रहने वाली है, राइट? क्योंकि इतने सारे आईपीओ आएंगे तो वो ऐसे ही नहीं लाए जाते, उनके बड़े बड़ी टीम्स रहती है, एक्सपर्ट रहते हैं, वो एक अनुमान लगाते हैं बाजार का कि शायद से बाजार अच्छा रहेगा। एंड हम कह सकते हैं कि उसी के दरमियान हम लोग इसका फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं, प्रीमियम के ऊपर बहुत ही अच्छा खासा आईपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो यहाँ पे जुटा सकते हैं। सो इस तरीके से भी आप लोग कह सकते हैं। देखिए, इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि कल क्या होगा, वो हम लोग को पता नहीं होता है, राइट? कुछ भी हो सकता है, पर हम कह सकते हैं एक नॉर्मल सिचुएशन में कि बाजार अभी अच्छा और भी चल सकता है, क्योंकि 11 IPO यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं बाजार में उतरने की। तो चलिए एक एक आईपीओ को देख लेते हैं। सो दोस्तों, पहली अगर कोई कंपनी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहली मतलब ऐसा कोई गारंटी सीक्वेंस नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो 7 Iceland Shipping, यस दोस्तों, ये एक मुंबई बेस सी बोर्ड लॉजिस्टिक फर्म है एंड इनको सेबी के ओर से नॉट मतलब अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। 600 करोड़ ये यहाँ पे आईपीओ के थ्रू यहाँ पे रेस करने की बात यहाँ पे करने वाले हैं, राइट? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इनके जो ऑपरेशन से 2003 से हम लोग को देखने को मिले थे, ओवर द लास्ट 18 ईयर्स अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने लगभग 40 वेसल मतलब पता है ना, जो बड़े बड़े कार्गो शिप्स रहते हैं, छोटे शिप्स की बात नहीं, जो छोटा शिप रहता है उसको शिप कहते हैं, वेसल मतलब एकदम बड़ा, आप लोगों ने देखा होगा, राइट? तो ये उन्होंने एक्वायर किए हैं, लगभग 20 बोट्स की अगर हम लोग बात करें वो उन्होंने सोल्ड किए हैं। सो हम कह सकते हैं शिपिंग से रिलेटेड ये एक आईपीओ यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए बात कर लेते कितने का रहने वाला है। फ्रेश इशू 400 करोड़ का एंड ओएफएस 200 करोड़ का, राइट? अभी ये आप लोगों को इतना तो पता चल गया होगा अगर आप बाजार में रेगुलरली हो। 600 करोड़ में से ये जो 400 करोड़ बताया जा रहा है किसका है, फ्रेश इशू, मतलब ये जाएगा कंपनी के पॉकेट में। एंड जो ये ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल, कितने का है, 200 करोड़ का, ये किसके पॉकेट में जाएगा, जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, जो अपना माल बेच रहे उनके पॉकेट में जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को अच्छा माना जाएगा, चलो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के पास जाएगा, कम से कम यहाँ पे प्रमोटर के पास, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएगा। तो पहला आईपीओ आप देख सकते हैं 600 करोड़ का हो सकता है, 7 Iceland Shipping की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो दोस्तों, नेक्स्ट आईपीओ की बात करें तो देखा जाए तो ये सबसे पहले शुरुआत कर रहा है JR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की। अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड, ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था पहले 35% चल रहा था, देन अगर मैंने जब डिटेल में वीडियो बनाया था तभी 41% चल रहा था, राइट? ये मीनिंगलेस है ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी देखना, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तभी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आप लोगों ने देखना है, राइट? क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता रहता है। सो आप देख सकते हैं इस आईपीओ की अगर मैं बात करूँ, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, जो हम कह सकते हैं रोड साइड पे जो भी चीज़ें चलती है, जैसे कि अगर हम लोग पेंटिंग की बात करें या फिर जो सिग्नल्स रहते हैं वो भी, डेवलपमेंट की बात करें और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस कंपनी के पास यहाँ पे रहती है,
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोग देख सकते कितना यहाँ पे रहने वाला है, वर्थ ऑफ रुपीज़ 963 करोड़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एंड 7 जुलाई को ही इसका ओपनिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो यहाँ पे एक ही डिसएडवांटेज है कि हम कह सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोगों को OFS देखने को मिलने वाला है, मतलब कंपनी के पास कुछ भी नहीं, सारा का सारा ये जो प्रमोटर है जो माल बेच रहे उनके पास ये शेयर्स, मतलब हम कह सकते हैं ये जो पैसा है वो उनके पास यहाँ पे जाने वाला है। सो हम लोग कह सकते हैं NSE BSE दोनों के ऊपर ये लिस्ट होगा लगभग 19 जुलाई के आसपास। सो GR इंफ्रा प्रोजेक्ट ये सेकेंड है जो कि आप नोट करके रख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें ME ऑर्गेनिक और एक केमिकल सेक्टर वाला स्टॉक बाजार में यहाँ पे आने वाला है लगभग 650 करोड़, हम कह सकते हैं इतना वो बाजार से पैसा उठा सकते हैं। एंड इस 650 करोड़ में से फ्रेश इशू रहने वाला है 300 करोड़, एंड बैलेंस 350 करोड़ यहाँ पे OFS यहाँ पे रह सकता है। सो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों और एक केमिकल सेक्टर की कंपनी, जितने भी केमिकल कंपनीज है आप लोगों ने देखा है धूम मचा कर रखा हुआ है बाजार में, राइट। सो हम कह सकते हैं इस IPO से रिलेटेड थोड़ा बहुत मतलब एक्साइटमेंट ज़रूर रहेगा, सेक्टर का एडवांटेज इनको यहाँ पे मिल सकता है। ब्लाइंडली हम लोग कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे, जब भी प्रॉपरली IPO की डिटेल सामने आएगी हम लोग ज़रूर इसके ऊपर मतलब ध्यान से पढ़ाई ज़रूर करेंगे। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक माइक्रो फाइनेंस, यस दोस्तों एक माइक्रो फाइनेंस जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है यहाँ पे बाजार में आने वाली है एरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगभग यहाँ पे 1800 करोड़ का ये IPO पूरा होने वाला है। एंड इस 1800 करोड़ में से अगर मैं बात करूँ तो फ्रेश इशू रहने वाला है 850 करोड़ का, मात्र 850 करोड़, एंड बैलेंस OFS रहेगा। अभी 1800 करोड़ में से 850 करोड़ माइनस कर दो, रफली भी अगर ऊपर ऊपर से बोल दे तो 1000 करोड़ OFS रह सकता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सो एरोन फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी एक IPO इसी मंथ की मैं बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। देन दोस्तों बात करें तो और एक प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड कंपनी बाज़ार में आ रही है श्रीराम प्रॉपर्टीज़। अभी प्रॉपर्टीज़ की बात करें लेटेस्ट तो आप लोगों को पता है यहाँ पे लोधा बिल्डर्स या फिर माइक्रोटेप डेवलपर्स, इनकी एंट्री यहाँ पे हुई थी, बहुत बड़े बिल्डर्स है वो। सो श्रीराम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें प्रॉपर्टीज़ तो एक बेंगलुरु बेस्ड हम लोग को ये परफॉर्मेंस देती हुई कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सेम जुलाई में ही आने वाली है, 800 करोड़ यहाँ पे बाज़ार से उठाए जाने वाले, जिसमें से अगर हम लोग बात करें 250 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे, 550 करोड़ जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो माल बेचने वाले उनके पॉकेट में जाने वाले हैं। सो आप लोग देख सकते हैं और एक प्रॉपर्टीज़ वाली कंपनी बाजार में यहाँ पे जुड़ने वाली है। जब इससे रिलेटेड प्रॉपर डिटेल सामने रहेंगे हम लोग बातचीत ज़रूर करेंगे। देन दोस्तों एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक बाजार में आने के तैयारी में है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसे बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राइट। सूर्योदय भी हो गया उसी में से। सो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बाज़ार में आने के तैयारी में है, और एक फाइनेंस वाली कंपनी या फिर बैंक हम लोग बोल सकते हैं। 750 करोड़ का यहाँ पे हम बोल सकते हैं इंटायर IPO की साइज़ कितने एक बार मैं देख लेता हूँ। द बैंक कंप्राइज अ फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर वर्थ ऑफ रुपीज़, ओके सो फ्रेश इशू 750 करोड़ का है, एंड OFS यहाँ पे रहने वाला है 600 करोड़ का। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा IPO ये रहने वाला है। सो टोटल अगर आप लोग लगाओगे तो लगभग 1350 करोड़ का ये IPO यहाँ पे रोल प्ले करने वाला है। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राइट, तो ये एक भी चाहिए होता आप लोग नोट करके रख सकते हो। देन दोस्तों और एक IPO यहाँ पे है क्लीन सैंड टेक्नोलॉजीज। अगर हम लोग बात करें नाम सुनने के लिए मतलब इसके रिलेटेड भी यहाँ पे IPO, मतलब मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, इसके डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो चुके हैं, तो कल वैसे भी सैटरडे संडे तो हम लोग डिटेल में बातचीत ज़रूर करेंगे यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर, सो हम कह सकते हैं और एक केमिकल वाली कंपनी है, 1400 करोड़ पैसा जुटाने की बात यहाँ पे चल रही है। इट इज़ एन एंटायरली एन OFS जो कि एक हम कह सकते हैं ख़राब बात है। OFS मतलब प्रमोटर के पास पैसा ये चला जाएगा, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी को यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं, मतलब जो हम लोग जो सेक्शन देखते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स में कुछ लिख ही नहीं सकते, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिर्फ लिस्टिंग करने के हिसाब से एक एडवांटेज मिलेगा यही लिख सकते, राइट, क्योंकि कंपनी के पास तो पैसे भी पैसा जाने वाला नहीं है। सो इस IPO से रिलेटेड हम लोग कल ज़रूर डिटेल में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये स्पेशलिटी केमिकल वाली कंपनीज है ना, तो थोड़ा सा डिटेल में रिसर्च होना चाहिए। देन दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस अगर हम लोग बात करें 1700 करोड़ IPO के मदद से उठाने वाले, जिसमें से फ्रेश इशू बहुत बढ़िया 1160 करोड़ है, एंड बैलेंस यहाँ पे OFS के जरिए यहाँ पे आने वाले। ये बहुत ही अच्छी बात है, जितना फ्रेश इशू रहेगा उतनी बात अच्छी लगती है, क्योंकि ये मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाएगा। अभी मैंने 4-5 बार रिपीट किया तो शायद से आपके दिमाग में वो बात फिट हो गई होगी। सो इसका भी IPO यहाँ पे आने वाला है। देन दोस्तों हाउसिंग फाइनेंस, कौन सा हाउसिंग फाइनेंस, तो आप देख सकते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस,
7,300 करोड़ का आईपीओ, बहुत ही बड़ा आईपीओ हम लोग कह सकते हैं, जिसमें से फ्रेश इशू कितने 1500 है, ठीक है, एंड 5,800 करोड़, बाप रे बाप, इतना ज़्यादा पैसा प्रमोटर के जो मतलब ये जो जेब है उसमें यहाँ पे जाने वाला है, कंपनी के पास मात्र 1500 करोड़। सो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा। यूजुअली हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए डायरेक्टली आईपीओ में अप्लाई नहीं करते, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही नोन कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी आ रही है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं रिलायंस रिटेल आएगा तो हम लोग जाएंगे, रिलायंस जियो आएगा तो हम लोग जाएंगे, या फिर हम लोग कह सकते हैं एचडीबी फाइनेंशियल्स, एचडीएफसी की जो सब्सिडरी उसका आईपीओ आएगा तब हम लोग सोचेंगे, राइट, पेटीएम का आईपीओ आएगा तब हम लोग देखेंगे, राइट। तब तक ये बाकी वाली जो चीज़ें हैं लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग देखेंगे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, एंड उसके बाद लिस्ट होने के बाद आराम से चेक करेंगे कि कंपनी के एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है। देन दोस्तों नेक्स्ट आईपीओ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक सीमेंट कंपनी, निर्मला ग्रुप से जुड़ी हुई एक सीमेंट कंपनी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, नाम आपके सामने है यहाँ पे, एंड कितने का है 5,000 करोड़ आईपीओ के मदद से उठाने वाले हैं, फ्रेश इशू वर्थ ऑफ रुपीज़ 5,000 करोड़, एंड ओएफएस यहाँ पे 3,500 करोड़ का, मतलब बहुत बड़ा आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कुछ तो यहाँ पे टाइपोग्राफिक एरर है, यहाँ पे शायद से 8,500 करोड़ का होना चाहिए अगर फ्रेश इशू 5,000 का है, एंड 3,500 करोड़ अगर ओएफएस है तो, बट कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू के लिए इन सारी चीज़ों को फिलहाल तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाद में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि कंपनी एग्जैक्टली डिटेल्स यहाँ पे क्या पेश कर रही है। देन दोस्तों 10 आईपीओ की बात हो चुकी है, एंड आखिर वाला आईपीओ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है, 2,000 करोड़ का यहाँ पे इशू रहने वाला है, एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे द पब्लिक इशू इज़ ऑन अ प्योर ऑफर फॉर सेल ऑफ अ प्रमोटर एंड अ स्टेक होल्डर 35%, ओके ठीक है। सो ये ओएफएससी यहाँ पे बेसिकली रहने वाला है, तो ऐसे 11 कंपनीज सिर्फ ये 30 दिन में आईपीओ लेके आने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे पैसा जितना हो सके आप अच्छे तरीके से तैयार रख सकते हो लिस्टिंग गेन के लिए अगर जिसको जाना है, राइट। ज़रूर बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाते हैं, अभी तक तो किसका नुकसान हुआ नहीं है देखा जाए तो यूजुअली, एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम जहाँ पे अच्छा रहेगा, बहुत ही डिसेंट रहेगा, वहाँ पे तो हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों ये जो आईपीओ की मैंने बातचीत की वो तो सिर्फ जुलाई मंथ की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए 22,000 से 23,000 करोड़ यहाँ पे मतलब पैसा उठाने की बात चल रही है। देन अगर हम लोग साल की बात करें तो LIC का आईपीओ आने वाला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ यहाँ पे आने वाला है, पॉलिसी बाजार भी तैयारी यहाँ पे कर रही है, जोमेटो का आईपीओ आने वाला है, पेटीएम का आईपीओ आने वाला है, तो इसकी भी प्रतीक्षा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। सो जब भी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे बता दूंगा। तो फिलहाल ये 11 कंपनीज के आईपीओ सिर्फ इस 30 दिन में आने वाले, 30 से 31 दिन मतलब एक तो दिन हो गया, तीसरी दिन हम लोग बोल सकते हैं, एक दो दिन तो उड़ गए हैं यहाँ पे, सो बैलेंस दिन वॉट एवर यहाँ पे जुलाई मंथ में 11 कंपनीज के आईपीओ यहाँ पे आने वाले हैं। सो ज़रूर जो भी अच्छे रहेंगे जिससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को चाहे तो मदद कुछ ना कुछ मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो वहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है बाजार की स्थिति क्या रहेगी, ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा रहेगा। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।